स्टॉप टेकिंग ग्लूटाथियोन, इट कैन कॉज कैंसर। तो मैं हूं डॉक्टर भीम गुप्ता, आज मैं आपको बताऊंगा क्या ग्लूटाथियोन आपकी स्किन में या आपको कैंसर कॉज कर सकता है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे पास जनरली आता है। 80% लोग मुझसे इंटरनेट पे, लाइक यूट्यूब, लाइक इंस्टाग्राम, चाहे फेसबुक हो, या जब मेरे से क्लिनिक में मिलने आते हैं तो मेरे से पूछते हैं कि सर, मेरी पड़ोस वाली आंटी ने बोला है कि तुम ये ट्रीटमेंट करा रही हो या करा रहे हो तो तुमको कैंसर हो जाएगा। गाइस, कैंसर क्या कोई मंदिर का प्रसाद है कि घंटी बजाई और हो गया? मतलब कुछ भी लोग बोलते हैं और लोग मानना चालू कर देते हैं। ग्लूटाथियोन से कैंसर नहीं होता है। प्लीज़ एक बात को, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि आपको एक क्वेश्चन का आंसर मैं एक साथ सबको दे दूँ। कोई भी अगर आपका सब बोल रहा है कि ग्लूटाथियोन लेंगे या कोई भी स्किन ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपको कैंसर हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो प्लीज़ ये कोई मंदिर का प्रसाद नहीं है, ये कोई हलवा नहीं है कि बहुत ईजिली किसी को भी हो जाएगा। इनसे नहीं होता है। ग्लूटाथियोन क्या होता है, मैं इससे पहले बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, मैं उसमें बता चुका हूँ ग्लूटाथियोन क्या है। ग्लूटाथियोन एक अमाइनो एसिड है, बेसिकली इट्स अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद भी बनाती है। ग्लूटाथियोन गोरा नहीं करता है, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। लोगों को लगता है कि हम गोरे होने का ट्रीटमेंट कराएंगे और हमें कैंसर हो जाएगा या हमें कोई बीमारी हो जाएगी, स्किन में कोई भी बीमारी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ग्लूटाथियोन गोरा नहीं करता है। कौन बोला ग्लूटाथियोन गोरा करता है? ग्लूटाथियोन गोरा नहीं करता है, गोरा करता है विटामिन सी। विटामिन सी इज अ स्किन लाइनिंग एजेंट विच इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन, जो सिट्रस फ्रूट और सब में होता है, वो हमारी स्किन को लाइटन अप करता है। बट लाइक अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने साफ साफ क्लियरली बताया है कि विटामिन सी जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है। हमने विटामिन सी लिया, हमें डेली लेना पड़ता है, आपने खाया, वो आपके एक बॉडी में एक चक्कर लगाएगा और यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। बट जब हम उसको ग्लूटाथियोन के साथ, एल ग्लूटाथियोन विच इज अमाइनो एसिड, हम जब उसके साथ लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर रोटेट होता रहता है, अगेन एंड अगेन रोटेट होता रहता है, वो स्किन लाइटनिंग इफेक्ट देता है। इसका साइड इफेक्ट है गोरा होना, जनरली इसको गोरा होने के लिए लिया जाता है। अब जो क्वेश्चन सबसे बड़ा डाउट सबके दिमाग में है ना कि स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट कराएंगे या ग्लूटाथियोन लेंगे तो हमें कैंसर हो जाएगा या कुछ, पहली बात, कैंसर का ट्रीटमेंट है ग्लूटाथियोन। अगर किसी कैंसर पेशेंट, आपने देखा होगा किसी कैंसर पेशेंट को, तो उसको विटामिन सी हाई डोज में विटामिन सी लगाया जाता है एंड उसको ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उसको दिया जाता है ट्रीटमेंट कैंसर को, कैंसर से उसके सेल्स को बचाने के लिए। हमारे हर सेल के अंदर ग्लूटाथियोन का लेवल होता है, ये डीएनए लेवल पे वर्क करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है या पॉल्यूशन में हम लोग जाते हैं तो ये इसका लेवल डिप्लीट होने लगता है। अभी क्या होता है कि जब आप ग्लूटाथियोन लेते हैं, ये आपके सेल को स्ट्रॉन्ग कर देता है। ये आपने पेशेंट को देखा होगा जिनको लिवर सिरोसिस होता है या लिवर का लिवर डैमेज होता है, उनको भी ग्लूटाथियोन दिया जाता है। लिवर को रीजेनरेट करने में बहुत बड़ा हेल्प करता है ग्लूटाथियोन। एंड अगेन इसको विटामिन सी के साथ जब देते हैं तो ये स्किन में वाइटनिंग इफेक्ट भी देता है, बिकॉज ये एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, बॉडी के अंदर जो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जब भी हमारी बॉडी के सेल टूटते हैं, ऑक्सीजन का जो मतलब जब हम सांस लेते हैं तो हर बार जितनी बार सांस लेते हैं उतनी बार ऑक्सीडेशन होता है बॉडी के अंदर, कोरोजन। आपने देखा नल में जंग लग जाती है तो कोरोजन, तो ऑक्सीडेशन होता है वो। हमारे इस बॉडी के अंदर भी ऑक्सीडेशन होता है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है वो जब हाई होता है तो हमारे सेल टूटने लगते हैं, उनकी रिकवरी बहुत स्लो हो जाती है, हमारी बॉडी के सेल रिकवर नहीं कर पाते, अपने आप को रिजनरेट नहीं कर पाते, प्रोसेस स्लो हो जाती है, इसी को एजिंग कहते हैं। तो ये जब हम ग्लूटाथियोन देते हैं उन्हें, या कोई भी जनरल पब्लिक भी ग्लूटाथियोन लेती है, नॉर्मल भी कोई इंसान ग्लूटाथियोन लेता है, इट्स नॉट फॉर वाइटनिंग। ये आप ये मत सोचो कि आप ग्लूटाथियोन खाओगे से वाइट होगे, नहीं, ग्लूटाथियोन अकेला वाइटनिंग के काम नहीं करता, ये आपके जनरल एक हेल्दी बॉडी इन्वायरमेंट बनाने के लिए भी हेल्पफुल है। ये इट्स अ अमाइनो एसिड, बॉडी खुद भी बनाती है, इट्स अ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड बेसिकली, बॉडी खुद भी इसको जनरेट करती है, बट इसको एक लेवल होता है इसका बनने का। तो ये जब हम इसको ग्लूटाथियोन को जब हम सुपरफिशियली बाहर से एक्सटर्नली लेते हैं, इसको लेने के डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट वेज हैं। लाइक आप इसमें इंजेक्टेबल ले सकते हो, जैसे आपने इंजेक्शन लगाए तो ग्लूटाथियोन के जो इंजेक्शन आते हैं वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाते हैं, तो वो 100% उसका एब्जॉर्प्शन होता है। अब इसका डिफरेंट वे है, आप एक सबलिंगुली आप उसको ले सकते हो, सबलिंगुली मतलब आपने स्प्रे मारा तो आप उसको ले सकते हो, आप नेजल नोज के थ्रू भी आप उस पर ले सकते हो,
और इसको आप टैबलेट फॉर्म ले सकते हो। डिस्पर्सिबल टैबलेट बहुत कॉमन चल रहा है, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए डिस्पर्सिबल टैबलेट के, घोर के पीने वाले, बट इसमें मोनोटोनस आप पी पी के बोर हो जाओगे। तो मैं आज आपको एक नया ग्लूटाथियन बताऊंगा, ये ग्लूटाथियन इट्स अ वेरी गुड इंस्टा बेटर ग्लूटाथियन है, और मैं इसके बारे में आपको आज डिस्क्राइब करूंगा जो अभी तक का बेस्ट 15-20 दिन में रिजल्ट देता है। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा ग्लूटाथियन से, किसी भी ग्लूटाथियन से, तो आप इसको लीजिएगा, आपको रिजल्ट 100% मिलना चाहते रहेंगे 15-20 दिन में। तो मैं बताऊंगा कैसे वर्क कर रहा है। तो आज मैं वैसे डाउट पहले क्लियर कर दूँ, तो ये आपको जो लेने का तरीका है, तो आप कैप्सूल फॉर्म में भी आते हैं, टैबलेट फॉर्म में भी आते हैं, डिस्पोजेबल टैबलेट आती है, इंजेक्शन आते हैं, सबलिंगुअली आते हैं, आप जो स्प्रे होता है या नेजल के थ्रू भी आप ले सकते हैं, या क्रीम के थ्रू भी आता है। बहुत सारी ग्लूटाथियन क्रीमें आती हैं, बहुत सारे फेस वॉश आते हैं। आई डोंट नो कि ग्लूटाथियन क्रीम में कितना वर्क कर रहा है, मैंने मुझे नहीं लगता कि ग्लूटाथियन क्रीम के थ्रू हम लगाएंगे तो वर्क करेगा, बिकॉज इट सेम लाइक दूध के टब में अगर मैं लेट जाऊंगा दूध के टब में तो मुझे कैल्शियम मिल जाएगा, क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है, मैं उसके अंदर लेट गया हूँ तो मुझे कैल्शियम बॉडी अब्सॉर्ब कर लेगी, ऐसा नहीं होता ना। उसका तरीका होता है, आपने खाया है वो बॉडी का डाइजेस्ट होगा, तो हर चीज़ का तरीका होता है बॉडी के अंदर वर्क करने का। तो सेम ऐसे ग्लूटाथियन का फेस वॉश आप लगा लोगे और सोचो कि मैं गोरा हो जाऊंगा, नहीं, पॉसिबल नहीं है। यस दे वर्क, वो आपको स्किन को लाइटन अप कर देगा, आपको मतलब थोड़ा आपको हेल्दी स्किन बना देगा, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट है तो वो एब्जॉर्ब करा के वहाँ पे जो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा उसको खत्म कर देगा। तो बट एक्ने के स्पॉट्स हटाने में बहुत अच्छा काम करता है ग्लूटाथियन। जो मेजरली ब्यूटी के लिए यूज किया जाता है वो व्हाइटनिंग के लिए यूज किया जाता है, बट अकेला व्हाइटनिंग इसका वर्क नहीं है, ये एंटी एजिंग में भी बहुत अच्छा काम करेगा। अगर आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी होगी, अगर आपके हार्ट इश्यूज होंगे या आपकी किडनी खराब होगी, आपके लिवर खराब होगा, आपके कोई भी बॉडी के अंदर कोई भी डैमेज सेल डैमेज होगा, वो उसको रिकवरी कराने में हेल्प करेगा। तो इट्स अ वेरी गुड एंटी एजिंग मेडिकेशन आल्सो। तो आप वैसे तो ये फूड सप्लीमेंट है, यू कैन से इट्स अ फूड सप्लीमेंट, इट्स अ वेरी गुड एंटी एजिंग फूड सप्लीमेंट, मैं इसको मेडिसिन में नहीं बोलूंगा। और एक बहुत जनरली क्वेश्चन लोग पूछते हैं, मैं आज सारे क्वेश्चन जो लोगों के डाउट है ना उसी को आंसर करूंगा। लोग मेरे से बोलते हैं ये FDA अप्रूव नहीं है, यूएस FDA अप्रूव नहीं है। गाइज वी लिव इन इंडिया, वी डोंट लिव इन USA, है ना, वी डोंट लिव इन यूनाइटेड स्टेट। तो यूएस FDA अप्रूव का कोई रिलेशन ही नहीं है कि यूएस FDA अप्रूव नहीं है तो हम ग्लूटाथियन नहीं लेंगे। हम अमेरिका में नहीं रहते हैं तो ये ग्लूटाथियन यूएस FDA अप्रूव नहीं है, बट येस इज FDA अप्रूव फॉर डिफरेंट थेरेपीज, लाइक कैंसर में इसको दिया जाता है। तो अगर आप यूएसए में देखेंगे तो वहाँ पे कैंसर के लिए इसको ट्रीट किया जाता है, वहाँ पे वो अप्रूव्ड है कैंसर थेरेपी के लिए। या लिवर डैमेज अगर आपको हो रहा है तो इट्स अ थेरेपी, आप लिवर थेरेपी, अगर आप कैंसर के पेशेंट कीमोथेरेपी ले रहा है तो उसको ग्लूटाथियन नीचे लगाए जाते हैं ताकि बॉडी के सेल रिकवर कर सकें। बट व्हाइटनिंग के लिए FDA अप्रूव नहीं है, बिकॉज व्हाइटनिंग इज अ कॉस्मेटिक प्रोसीजर, इट्स अ डिफरेंट थिंग। आप सोचो कि व्हाइटनिंग के लिए FDA अप्रूव नहीं है तो मैं नहीं लगाऊंगा, तो मत लगाओ, हु इज आस्किंग यू। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि मेरी मौसी बोल रही थी, मेरे चाचा बोल रहे थे कि, या मेरे फ्रेंड बोल रहे थे, या मैंने गूगल में पढ़ा है। एक जैसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे से एक बंदे ने मेरे से पूछा, मैंने सर गूगल में पढ़ा है कि ग्लूटाथियन लेने से अस्थमा हो जाता है। तो वही बात हुई ना कि भाई मैं क्या करूँ, मैं अपनी जॉब छोड़ दूँ, तुम गूगल से इलाज करा लो, मेरे से क्यों पूछना है वो। गाइज ग्लूटाथियन से अस्थमा नहीं होता है। अस्थमा कब होता है ग्लूटाथियन से, जो एक रिसर्च देखा गया है, अगर आप उसको नोज के थ्रू ले रहे हैं, आप इसमें नेजल स्प्रे के थ्रू अगर ग्लूटाथियन ले रहे हैं तो इट कैन लीड टू अस्थमा, इट कैन कॉज अस्थमा अगर आप नेजल स्प्रे के थ्रू ले रहे हो तो। बट एक बात याद रखिएगा, आप पोलन ग्रेन को भी स्मेल करेंगे ना, आप डस्ट को भी स्मेल करेंगे तो आपको अस्थमा हो जाएगा। इट्स नॉट ओनली ग्लूटाथियन, कोई भी चीज आप नोज के थ्रू लेंगे वो आपको इरिटेट करेगा, आपके लंग्स को इरिटेट करेगा, दैट कैन लीड टू अस्थमा, इट्स अ एलर्जिक कंडीशन। तो नॉट ओनली ग्लूटाथियन, पोलन ग्रेन, डस्ट, इवन एनी केमिकल कैन लीड टू अस्थमा, नॉट ओनली ग्लूटाथियन, तो आप दिमाग से निकाल दो। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि क्या प्रेगनेंसी में ग्लूटाथियन लिया जा सकता है, या लैक्टेटिंग वूमेन, जो वूमेन अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो क्या वो ग्लूटाथियन ले सकती है? तो येस यू कैन टेक ग्लूटाथियन इन प्रेगनेंसी और इन ड्यूरिंग लैक्टेशन। देखो इसमें इट्स एज आई टोल्ड यू इट्स अमाइनो एसिड, ओके, बॉडी खुद भी जनरेट कर रही है ग्लूटाथियन। बट मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि इसका साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं, बट आप इसको लेने के पहले अपने जो डॉक्टर है, आपकी गाइनिक है, आप उनसे एक बार कंसल्ट जरूर करिए, बिकॉज ग्लूटाथियन आपको डैमेज नहीं करे, मतलब इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। बट कई बार क्या होता है, बिकॉज मैं विटामिन सी के साथ आप ले रहे हो या कोई है, तो बहुत बार क्या होता है कि आप जो कोई और कोई मेडिकेशन ले रहे हो, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है, आपकी डॉक्टर ने आपको कोई एंटीबायोटिक दिया है या कोई आपको कोई मेडिकेशन दिया है विच कैन इंटरैक्ट विद ग्लूटाथियन और विटामिन सी,
यू गेटिंग माई पॉइंट? आप आयरन की टेबलेट ले रहे हो, आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा या कुछ है यार. अब बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ड्रग इंट्रैक्शन कहते हैं, तो ये आपके एक बार गायनी को बता दीजिए. क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो आयरन की टेबलेट दी जाती है. बहुत सी मेडिकेशन दी जाती है. कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा होता तो उसके कारण बीपी बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में कई बार, तो उसके लिए मेडिकेशन दी जाती होती है. तो उनका इंट्रैक्शन ना हो वो आप एक बार अपनी गायनिक से कंसल्ट करें, बिकॉज वो आपको बता पाएंगे कि वो आपको लेना है या नहीं लेना है. और एल्स अगर सिर्फ ग्लूटाथियोन की बात करें तो कोई इशू नहीं है. ग्लूटाथियोन को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेना है या आप अगर बच्चे को दूध पिलाना है तो वो लेने का कोई इशू नहीं, बिकॉज ये अमाइनो एसिड है, इट्स अ फूड सप्लीमेंट. आप बाहर से एक्सटर्नल ले रहे हो तो ये कोई दवाई नहीं है जो आपको बॉडी में जाके कोई डैमेज करेगी. विटामिन सी भी आप लेते हो, आप मल्टी विटामिन भी लेते ही हो आप जनरली, तो उसमें कोई इशू नहीं है. तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन हैं. तो सबसे कॉमन जो क्वेश्चन आता है ना कि कैंसर कॉज कर देगा, नहीं गाइस प्लीज ये दिमाग से निकाल दीजिए. कैंसर के पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के लिए ग्लूटाथियोन यूज होता है. ग्लूटाथियोन कभी कैंसर कॉज नहीं करता है. दूसरी बात यार, जितने पढ़े लिखे लोगों से आप लोग ये सुन के आते हो ना, आप उनसे जरा एक चीज पूछ लेना, इंडिया में कभी किसी को भी स्किन कैंसर देखा है? आज तक स्किन कैंसर होता कैसा, किसी ने भी देखा है स्किन में किसी को कैंसर होते हुए? इंडिया में स्किन कैंसर नहीं होता है. ओके आप आज तक मैंने अपनी लाइफ में, मैंने MBBS करा इतने 5 साल और उसके पहले मैंने इतने सारे डिग्रियां करी हैं, मैंने आज तक मैंने किसी को भी स्किन कैंसर का एक भी पेशेंट इंडिया में नहीं देखा है. बिकॉज इंडिया में स्किन कैंसर होता ही नहीं है. वो यूरोपियन एकोकेशन स्किन में स्किन कैंसर होता है बिकॉज ऑफ यूवी डैमेज, तो इंडिया में नहीं होता. और इनसे तो ग्लूटाथियोन से तो बिल्कुल भी नहीं होता है. तो प्लीज़ आप ये दिमाग से तो फोकट के ये ना चीज़ दिमाग से निकाल दो और ये क्वेश्चन पूछना बंद कर दो. ये वीडियो जरूर देखो, उसको शेयर भी जरूर मार देना. अब रिजल्ट नहीं आ रहा मेरे को ग्लूटाथियोन से, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था. मैंने आपने वीडियो बनाया था इसका, आपने वीडियो बनाया था उसका, मैंने ये लिया मैंने वो लिया, बट मुझे रिजल्ट नहीं. तो अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो जनरली क्या होता है कि आपने किस टाइप का कंपाउंड लिया है. देखो इसमें भी ग्लूटाथियोन में भी बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, केमिकल कंपाउंड होता है. तो ये जो आपने लिया है वो बॉडी के अंदर कितना एब्जॉर्ब हो रहा है वो उस पर डिपेंड करता है रिजल्ट आना. दूसरी बात, सन प्रोटेक्शन आपने कितना अच्छा लिया. अकेले ग्लूटाथियोन लेने से आपको रिजल्ट नहीं आएगा. आप बात को हमेशा याद रखिए, ग्लूटाथियोन अकेला लेने से आपको रिजल्ट कभी नहीं आएगा. आपको प्रॉपर सन प्रोटेक्शन, आपको धूप से बचाव भी करना पड़ेगा. तो मैं कोशिश करूंगा कि हमेशा अगर आप ग्लूटाथियोन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो साथ में ओरल सनस्क्रीन भी लीजिए. आप फिजिकल सनस्क्रीन भी आपको लगाना है, केमिकल जो क्रीम होती है आपको वो भी लगाना है, साथ ही साथ ओरल सनस्क्रीन लाइक यूवी स्पार्क आपको ये भी लेना है. खाने वाली सनस्क्रीन आपको सुबह 9 बजे खा लीजिए तो आपकी फुल बॉडी को धूप के डैमेज से बचा के रखेगी. देखो ये एक अंदर से गोरा करेगा, ये जादू की छड़ी नहीं है. आप सोचो कि मैं एकदम खाऊंगा मैं गोरा हो जाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं होता है. एक या दो लाइट करेगा 2 से 4 महीने में. आपको रेगुलर लेना है, रिजल्ट आए या ना आपको खाना है, आपको लेते रहना है. आपको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देगा, ये आपको क्लियर स्किन देगा, स्मूथ स्किन देगा, ग्लोइंग स्किन देगा, आपको व्हाइटनिंग इफेक्ट देगा. बट ये ऐसा नहीं करेगा कि एकदम आपको सफेदी की चमकाहट होता है ना जैसे विम की तरह एकदम फट से बाहर आई और आप गोरे हो गए, आपने ऐसे करा और आप गोरे हो गए. नहीं भाई ऐसा नहीं करता ये. हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है तो आपको ये समझना पड़ेगा. आपको दिमाग से ये चीज़ें सब एकदम से बाहर से जो दिमाग में भरा हुआ वो सब कचरा एकदम से आप निकाल दो. तो हाँ एक कॉमन जी कॉमन आपने एक देखा होगा कि जनरली आफ्टर इफेक्ट ग्लूटाथियोन का मैं बोलूंगा उसको बहुत कॉमन है ब्लोटिंग होना, गैस बनना. बहुत सारे कॉमन लोगों को उन ग्लूटाथियोन के साथ होती है जो डिस्पर्सिबल होते हैं, जो घोरने वाली टैबलेट होती है आपने देखा होगा. आप डिस्पर्सिबल टैबलेट है, पानी में घोरियो और ऑरेंज फ्लेवर, बहुत सारे फ्लेवर डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर में आता है, वो उसको घोर के आप पी जाओ. वो आपको गैस कॉज कर सकता है, गैस की दिक्कत आ सकती है, किसी को एसिडिटी होती है उससे होने लगती है. रीज़न क्या होता है कि वो थोड़ा उसमें मैंने जो फील किया है वो एब्जॉर्प्शन भी उसमें थोड़ा कम होता है. मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि गो फॉर कैप्सूल फॉर्म, जैसे ये वाला है तो इसमें कैप्सूल फॉर्म, ये आपके ड्यूडेनम में जाके एब्जॉर्ब होता है. देखो ग्लूटाथियोन सबसे अच्छा एब्जॉर्प्शन उसका होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ओरल वे से तो ग्लूटाथियोन बहुत ही स्लो एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है. तो ओरली अगर आप जब लेते हैं ग्लूटाथियोन सबसे स्लो एब्जॉर्प्शन ओरली होता है, ठीक है. आपने इंजेक्शन लगाया तो फटाफट वो एब्जॉर्ब हुआ और पूरा रिजल्ट देगा. बट जब आप ओरली फॉर्म लेते हैं तो वो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो हो जाता है. अब आपने डिस्पर्सिबल टैबलेट ली, आपने घोरने वाली टैबलेट पी, तो वो घुर के आपके सबसे पहले टमी में जाएगी, स्टमक में जाएगी, वहां पे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं वो जो उसको डिस्ट्रॉय करना चालू कर देते हैं. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गो फॉर दिस काइंड ऑफ कैप्सूल जो कि वहां पे टमी में स्टोमक में डिसॉल्व नहीं होती, ये ड्यूडेनम में जाके डिसॉल्व होती है. तो ये प्रॉपरली जहां पे एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वहां पे एब्जॉर्प्शन होगा. और दूसरी बात, ये जो इंस्ट्राब्रैकेटल ग्लूटाथियोन आया है, न्यू ग्लूटाथियोन है जो मुझे सबसे अच्छा लगा, जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे फास्ट मिल रहे हैं. ग्लूटाथियोन अच्छा होता है, बहुत सी कंपनी के आते हैं वो रिजल्ट देते हैं.
तो मार्केट में बहुत सारे ग्लूटाथिओन आपको मिलेंगे जो आ रहे हैं मार्केट में। तो ये सबसे आपने देखा होगा 500 mg के आते हैं, 600 mg के आते हैं, बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए हैं वो 500-600 mg के। तो इस वाले में क्या बेस्ट है, ये आपको इसमें 60 tablet है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 60 tablet है, 60 tablet विटामिन सी की है, 60 tablet ग्लूटाथिओन की है। तो ये आपको 2 महीने का डोज है, ये 7000 में 2 महीने का डोज है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाए थे जो डिस्पोजेबल टैबलेट होती है वो 2500 रुपये में आपको 15 दिन का आता है, और भी सस्ते भी आते हैं वो 800 रुपये में 10 टैबलेट होती हैं, बट वो फिर रिस्पॉन्स उसका बहुत स्लो हो जाता है, रिजल्ट नहीं मिलता है। सस्ते ग्लूटाथिओन आपको रिजल्ट नहीं देंगे। तो अगर आप ओरल फॉर्म में जा रहे हो तो सबसे अच्छा ईजी है ये होता है कि ये टैबलेट कैप्सूल फॉर्म में तो आपको ईजी टू टेक होता है, सॉल्व होता है। आप जब डिस्पर्सिबल वाला पी रहे होते तो वो मोनोटोन्स, आप बोर हो जाते हो डेली डेली, आप वही फ्लेवर को पी रहे हो तो आप कुछ दिनों बाद आप बोर हो जाओगे, आप पी नहीं पाओगे, आप लगे ये बहुत बार टीडीज वर्क है इसको पीना। तो सबसे अच्छा है कि आप उसको लीजिए, गोली खाइए और हो गया। ये इसमें जो एल्ग्लूटाथिओन है ये इसमें है 10000 mg, तो इसमें 10000 mg का ग्लूटाथिओन है, बाकी जनरली आता है 600 mg आता है समथिंग आता है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है उससे। दूसरी बात 60 tablet है, इसमें एप्पल एक्सट्रैक्ट भी है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट भी है, अल्फा लिपोलिक एसिड भी है। तो ये अभी हो क्या रहा है कि आप जो पूरा लेते हैं तो वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब तो होता नहीं बॉडी के अंदर, तो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब तो हो नहीं रहा है, वो कुछ परसेंटेज एब्जॉर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 600 mg का लिया तो वो 60 mg एब्जॉर्ब होना है, वो 100% एब्जॉर्ब होना नहीं है पूरा बॉडी के अंदर ओरली। तो ये वाला क्या है कि इसमें अगर 10000 mg तो ये एटलीस्ट 1000 mg तो एब्जॉर्ब होगा, 100% तो कोई भी एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो इसलिए रिजल्ट कई बार स्लो हो जाता है कि बॉडी की नीड होती है अलग अलग, आपके बॉडी वेट पे डिपेंड करता है कि आपका बॉडी वेट कितना है, उसके अकॉर्डिंग डोजिंग सेट की जाती है कि आपको सुबह शाम खाना है या दिन में एक गोली खाना। देखो सुबह शाम खाएंगे तो रिजल्ट बहुत फास्ट मिलेगा, और अगर आप दिन में एक बार खाएंगे तो रिजल्ट थोड़ा स्लो रहेगा, ऑफकोर्स ये बात है, बट ये कॉस्ट इफेक्टिव देखना है तो आपको दिन में एक बार ले लीजिए। और ये वाला जो ग्लूटाथिओन आया इंस्टाबाइट का, इसके इंस्टाबाइट के पैक भी आते हैं, आपने देखा होगा वाइटनिंग पैक है, इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं, बहुत से लोग इसके लोगों का फेवरेट है ये। तो ने अभी दुबई का ब्रांड है, ये दुबई से ये इंपोर्ट हो गया है, उसके रिजल्ट 15-20 दिन में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको आप इससे पहले ग्लूटाथिओन ले रहे हैं और आपको दिख रहा है कि आपको रिजल्ट नहीं आ रहा तो गो फॉर दिस ब्रांड, इट्स वेरी गुड, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, 7000 में आपको 2 मंथ का डोज है, अलग अलग डिस्काउंट चलते हो तो डिफरेंट चीज है, बट येस अगेन अलॉन्ग विद दिस आपको यू हैव टू टेक सन प्रोटेक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सन प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट सन प्रोटेक्शन आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये अंदर से काम करेगा, अंदर से गोरा करना चालू करेगा, बट आप सन प्रोटेक्शन नहीं लेंगे तो वो रिजल्ट आपका जीरो हो जाएगा। एंड इसका एक क्वेश्चन जनरली लोगों का रहता है कि इसके रिजल्ट कब तक रहेंगे, कब तक रिजल्ट मिलेंगे, कोई भी फिक्स नहीं होता है, आपको मेंटेन करना, यू हैव टू मेंटेन इट। आप हमेशा याद रखो अगर ग्लूटाथिओन आप ले रहे हो तो यू हैव टू मेंटेन इट। मेंटेनेंस कैसे करें, मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक स्टार्टिंग में आपको उसको 2 से 4 महीने कम से कम आपको सुबह शाम खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको रेगुलर लेना है। इसके बाद आप ये कर सकते हैं कि इन्हीं टैबलेट्स को आप अल्टरनेट डेज या एक दिन में एक दिन छोड़ के एक दिन या हफ्ते में 2 बार आप ले सकते हो उसको मेंटेन करने के लिए। साथ ही साथ सन प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन इट, अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो रिजल्ट आपको सालों साल चलेगा। देखो क्या होता है कि ये एक बार गोरा कर देगा, आप धूप में जाएंगे वापस आपको कलर डाउन हो जाएगा, विच इज वेरी नेचुरल, जो होना है और होगा, और होगा तभी आप सेफ है। अगर आप कलर डाउन नहीं होगा तो फिर आपको दिक्कत है, बिकॉज आप जब आप सन में जाते हो आपको यूवी रेस के टच में जाते हैं, तो बॉडी में जब यूवी रेस पड़ती है वो मिलेनोसाइट जो 32 जर्मेंटल सेल के बीच में एक मिलेनोसाइट होता है, तो उसको वो मिलेन पिगमेंट की फैक्ट्री होती है, वो उसको स्टिमुलेट करता है, वो जब स्टिमुलेट होता है तो मिलेन पिगमेंट बनाते हैं। तो आपको सन प्रोटेक्शन लेंगे तो वो यूवी रेज आपकी बॉडी में टच होनी नहीं है, तो वो स्टिमुलेट होंगे ही नहीं और न्यू पिगमेंट बनेंगे नहीं। तो रिजल्ट को मेंटेन, अगर रिजल्ट को आपको लंबा चलाना है तो आपको सन प्रोटेक्शन प्रॉपर लेना पड़ेगा। अगर आप सन प्रोटेक्शन प्रॉपर लेते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। जनरली लोग गड़बड़ यही कर देते हैं, वो सोचते हैं कि मैंने तो गोली खा ली, मैंने तो इंजेक्शन लगवा लिया और मैं सन प्रोटेक्शन क्यों लूं, मैं तो गोरा हो जाऊंगा। नहीं, ये जादू की छड़ी नहीं है, दीज ऑल आर साइंस, ये 100% ट्रीटमेंट नहीं है, किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है, गोरा करने का ट्रीटमेंट नहीं होता है ये, इट्स अ फूड सप्लीमेंट। आप दिमाग से निकाल दो, अगर आपके दिमाग में है कि गोरा करने का ट्रीटमेंट मैं ले रहा हूँ तो गोरा करने का ट्रीटमेंट नहीं है ये, इट्स अ एंटी ऑक्सीडेंट, बॉडी को हेल्दी रखेगा, सेल्स को हेल्दी रखने के लिए है ये। तो दिमाग से निकाल दीजिए, आपकी स्किन को इवन आउट करेगा, आपके पिगमेंट अगर स्पॉट्स हैं तो उसको सही कर देगा, ये सब चीज़ों में काम करेगा। तो चीज़ों को आप समझो और एकदम भेड़ की चाल ना चलें, और प्लीज़ इधर उधर की सुन के
मतलब दिमाग में कचरा ना भरे, प्रॉपर आप अपने डॉक्टर्स को दिखाएं, डॉक्टर को दिखाएं, उनसे जाके क्वेश्चन पूछें, वो आपको बताएंगे। आपके आसपास में बहुत से डॉक्टर होंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट होंगे, कॉस्मेटोलॉजिस्ट होंगे, आप उनको एक बार जाइए, कंसल्ट करिए, उनसे समझिए चीज़ों को, रादर देन आप अपने पड़ोसी को जाके पूछ रहे हैं, या पड़ोसी की मम्मी ने बताया है, या उनकी चाची ने बताया है, फूफी जान ने बताया है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। तो इस टोटल इतने बड़े वीडियो का छोटा सा सार मैं आपको बता रहा हूँ, ग्लूटाथियोन से कैंसर नहीं होता है। प्रेगनेंसी में आप ग्लूटाथियोन ले सकते हो, बट आपको अपनी गायनिक से कंसल्ट करना है पहले, बिना उसके कंसल्ट के नहीं लेना है। अगर वो हाँ बोलती है तो लीजिए, वरना नहीं लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, इससे अस्थमा नहीं होता है। अस्थमा कुछ किसी भी चीज से हो सकता है, अगर आप उसको नेजली लेंगे तो इट कैन ट्रिगर, बट ओरली इंजेक्टेबल फॉर्म में अस्थमा नहीं होता है। ये बहुत बड़ा कॉमन क्वेश्चन था लोगों का, क्योंकि गूगल पे बहुत सी जगह ऐसा दिया हुआ था, बट इससे नहीं होता है, प्लीज तो दिमाग से निकाल दो। और इसके अलावा कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पे, मेरी आईडी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, मैं वहां पे आपका वेट करूंगा। और ये आपको मिलेगा www.lescomic.com पे, वहां पे जाइए, इसको परचेस कर लीजिए, और रिजल्ट तो आपको अल्टीमेट पता ही मिलने वाले हैं।